आप यहाँ पर आए उसके लिए थैंक्स। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम्हारे साथ खेलने की इच्छा भी है मेरी। आप मुझ पर दया मत दिखाइएगा, मैं आपके अंदर के जीनियस के साथ खेलना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। वॉशरूम जाने दो। रोक नहीं सकता क्या? कुछ चीजें रोकनी नहीं चाहिए सर। ए, दरवाजा खोल के रखना। दस घंटों में ये मरने वाला है, पीने दो। प्लीज बैठ जाइए। कोशिश कर रहा है, इस टनल को चारों तरफ से घेर लो, जल्दी करो, वो यहाँ से भागने ना पाए। आ जाएगा सर, कल मरने वाला था ना, आज ही मरेगा, जल्दी करो, वो यहाँ से भाग रहा है। ओके सर, जल्दी खोलो। डाबरा सबको मार दे के भाग गया वो। हेलो सर, बोलो। यहाँ डमी डोर है सर, खोलने पर दीवार के सिवा कुछ नहीं मिला। चेकमेट। ग्रैंड मास्टर ग्रैंडली भाग गया यहाँ से। Thank you.
हेलो हेलो आदित्य, इतने वक्त के बाद भी आपने पहचान लिया? तब तुम्हारी खामोशी को नहीं पहचाना, अब मैंने पहचान लिया है। मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा। कहाँ हो, कैसे हो, ये नहीं पूछूंगी, कैसे किया ये बता दो। कुछ बातें राज रहे तो ये अच्छा है। आशा करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। Let's leave it to fate. अहम नियतिम निश्चयामि। क्षमा याचना के बाद भी जेल में रहना पड़ेगा, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। स्वामी से मिलने के बाद मुझे एक ख्याल आया। यहीं पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे। मैं भी रिटायर होने के पहले वहाँ पर एक, मैं जिस जेल में हूँ वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने जो सोचा वो सही साबित हुआ तो एसपी साहब स्पोर्ट्स क्लब बनाने के लिए हाँ कर देंगे। स्वामी जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी तरफ से कम प्राइस में टेंडर भरने के लिए कहा, मेरे बचने का वही एक रास्ता था। जमीन के 20 फीट अंदर डमी स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज ड्रेन बनाना होगा। किसी को पता ना चले ऐसे कंस्ट्रक्शन प्लान में चेंज करना होगा। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि जो चिट्ठी मुझे आपको देनी थी वो विनय के हाथ लग गई और उसके अंदर स्मोक की डिटेल्स थी। उसका मुंह ना खुले इसीलिए हमें उसे पैसे भी देने पड़े। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग बची थी और सही वक्त देख कर प्लान को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन ठीक उसी वक्त तेरा आखिरी मुहूर्त निकल चुका है। वक्त नहीं, कुछ भी करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना होगा। मैंने अपना आखिरी मैच विश्वनाथन आनंद के साथ खेलने की इच्छा जताई। मैच के बीच में आदित्य वॉशरूम के लिए परमिशन लेगा। वॉशरूम में एंटर करने के बाद फ्लश के पीछे वाले नॉब को प्रेस करते ही पूरे वॉशरूम में धुआं फैल जाए ऐसी सेटिंग थी। जैसा कि मैंने सोचा था, उन सब का ध्यान भटकाकर मैं पिलर में चला गया। पीयू फोम से पिलर को फिल कर दिया। एक टेररिस्ट भाग गया, इस बात से पूरा देश भड़क गया। बात ठंडी हो तब तक मुझे कुछ महीने उसी कमरे में रहना पड़ा। लोगों को लगा कि मैं पुलिस यूनिफॉर्म की भेस में भाग गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर मैं भागा कैसे। एक इंसान को जीने के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीजें स्वामी ने दे दी थी। ड्राई फ्रूट्स, विटामिन टैबलेट्स, पानी, जो भी मुझे चाहिए था वो सब कुछ वहां मौजूद था। कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वहां एक टनल बनाई गई थी। उस टनल को पूरा खोदकर मैं वहां से खुद दूर चला गया। जो गलती की ही नहीं उसके लिए सॉलिटरी सेल में टॉर्चर किया गया और वो अनुभव मुझे यहां काम आया। ए, कहां है तू? 3 महीने हो गए। शरीर, मन, बुद्धि रोशनी चाहते हैं। दुनिया हर वक्त कोई ना कोई नई खबर ढूंढ रही होती है। कुछ दिन बाद मुझे सब भूल गए। मैं जिस वक्त का इंतजार कर रहा था वो वक्त आ गया। उजाले से मिलने के लिए अंधेरे से रूबरू होना पड़ता है। बिना सरहद का आसमान, ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्री लहरों की आवाज, बहता हुआ पानी और एक खूबसूरत जगह पहुंच गया था मैं। जब तक मैं खुद को दुनिया के सामने निर्दोष साबित नहीं कर देता
गुरुजी और स्वामी मेरे साथ अज्ञातवास में ही रहेंगे।